के नामी ज्वेलर्स लालचंद शोभराज के मालिक देवेंद्र नागवानी के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा सोमवार रात को दयालबाग में हुआ। हादसे में बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। बाग फरजाना निवासी देवेंद्र नागवानी का एमजी रोड पर लालचंद शोभराज ज्वेलर्स के नाम से शोरूम है। 15 अगस्त को उनका बेटा कुशाग्र नागवानी और अपनी मां प्रिय नागवानी के साथ दयालबाग कोरिया स्थित फार्म हाउस गया था। रात करीब 12:30 बजे कुशाग्र अपनी मां को लेकर I-20 कार से लौट रहा था। रास्ते में हुजूरी भवन के पास कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकराई। लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस पहुंची। कुशाग्र और उनकी मां कार में फंस गए थे। पुलिस ने बमुश्किल दोनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। इंस्पेक्टर न्यू आगरा विजय विक्रम सिंह ने बताया कि अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने कुशाग्र को मृत घोषित कर दिया। उनकी मां को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। हालत गंभीर बताई जा रही है। कुशाग्र अपने पिता देवेंद्र नागवानी के साथ शोरूम पर बैठता था और व्यापार में हाथ बांटता था। बेटे की मौत से परिवार में हाहाकार मच गया है। ज्वेलर्स के घर पर लोगों की भीड़ लग गई है। देवेंद्र का बुरा हाल है। लोग उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।